bioweapons. Russia claims it has uncovered... Они призывают своих граждан затянуть пояс. Слушайте. दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं हूं विशाल सेंगर और आज हम फिर आ गए हैं यूक्रेन रशिया वॉर की अपडेट को लेकर। इससे पहले की वीडियो में हमने रशिया यूक्रेन विवाद क्या है ये जाना था, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आखिर कब खत्म होगा और रूस आखिर चाहता क्या है। आज हम ये भी जानेंगे कि ऑपरेशन गंगा के तहत आए छात्र यूक्रेन पढ़ने जाते क्यों हैं जबकि इंडिया में भी इतने कॉलेजेस हैं। दूसरी ओर इंडियन गवर्नमेंट इस युद्ध को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह आपदा के अवसर की तरह देख रही है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। दोस्तों कई बार ऐसी कंडीशन तक आ जाती है कि दो पक्षों में काफी टाइम तक वॉर चलने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, ऐसे में युद्ध खत्म करने का ऐलान नहीं होता है बल्कि इसे कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है और समझौता या संधि कर ली जाती है। जिस जगह पर सेनाएं लड़ रही होती हैं उसे ही आपसी सरहद या LOC मान लिया जाता है और इसे ही सीज फायर लाइन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान की LOC लाइन या इंडिया चाइना की LAC लाइन। इसके अलावा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का युद्ध भी कभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ युद्ध विराम की रेखा बनकर रह गई है। तो सवाल यही उठता है कि अब रशिया यूक्रेन विवाद खत्म कब होगा, रशिया चाहता क्या है। युद्ध समाप्ति के लिए रशिया ने यूक्रेन पर चार शर्तें थोपी हैं। जानते हैं कि वो चार शर्तें क्या हैं। पहली शर्त है कि यूक्रेन सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। रशिया शुरू से ही चाहता था कि यूक्रेन की सेना कार्रवाई बंद कर दे और अपने हथियार छोड़ दे। दूसरी शर्त है संविधान में बदलाव हो। रशिया चाहता है कि यूक्रेन किसी भी संगठन में शामिल ना हो और तटस्थ बना रहे, इसके लिए वह चाहता है कि यूक्रेन अपने संविधान में अमेंडमेंट लेकर आए जिसमें वे लिख कर दे कि वे नाटो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य कभी नहीं बनेगा। तीसरी शर्त है क्रीमिया को मान्यता दे। रशिया चाहता है कि यूक्रेन क्रीमिया को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता दे क्योंकि 1954 से पहले भी ये USSR का ही हिस्सा हुआ करता था। 1954 में इसे तोहफे में यूक्रेन को दिया गया था। 2014 से रशिया का इस पर कब्जा है लेकिन यूक्रेन इसको मान्यता नहीं देता है। चौथी और आखिरी शर्त है डोनेट्स्क और लुहांस्क को दो स्वतंत्र देश माना जाए। दोस्तों डोनेट्स्क और लुहांस्क दो स्वतंत्र प्रांत बना दिए गए हैं रशिया द्वारा, ये पूर्वी यूक्रेन का ही हिस्सा थे। रशिया चाहता है कि इन्हें दो देश बना दिया जाए, मतलब दुनिया के नक्शे पर दो और नए देश होंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि युद्ध होता है तो दो नए नए देश बनते हैं या फिर अधिक देश बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन युद्ध का रिजल्ट जो भी हो मानवता का हमेशा मरण ही होता है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो युद्ध हर हाल में तुरंत बंद हो जाएगा। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे। देखते हैं अब इस युद्ध में ऊंट किस करवट बैठेगा। दोस्तों अब बात करते हैं यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत लाए गए छात्रों की। दोस्तों पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंस गए थे और उन्हें लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन में फंसे इंडियन सिटीजन्स में से 90% मेडिकल स्टूडेंट थे। तो आखिर ये सब गए क्यों थे? दोस्तों इसका मेन रीजन हम समझते हैं। फ्रेंड्स इंडिया में मेडिकल डिग्री के लिए नीट एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। जो बच्चे नीट क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड करा दिया जाता है, लेकिन जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते उन्हें प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन बचता है। इंडिया में प्राइवेट कॉलेज की फीस 4.5 साल की 1 करोड़ के लगभग होती है, इसलिए इंडियन स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज की बजाय यूक्रेन रशिया और चाइना जैसे देशों में चले जाते हैं क्योंकि वहाँ की मेडिकल कोर्सेज का 4.5 साल की फीस 15 से 20 लाख रुपये में हो जाती है और 1 लाख रुपए सालाना रहने खाने का खर्च आता है, इसलिए ये सारे स्टूडेंट मेडिकल करने के लिए यूक्रेन रशिया और चाइना चले जाते हैं। दोस्तों यूक्रेन जैसे देशों से लौटने पर स्टूडेंट को एक मेडिकल टेस्ट देना होता है, इसके बाद वे इंडिया में प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाते हैं। अब इसमें इंडिया के कॉलेजों की हैवी फीस ही तो जिम्मेदार है जिसे सरकार को समझना चाहिए। दोस्तों अब नज़र डालते हैं यूक्रेन रशिया विवाद से इफेक्टेड हो रही इंडियन इकोनॉमी पर। इंडियन इकोनॉमी को इस युद्ध में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल रिफाइंड ऑयल ये सभी के दाम तो बढ़ चुके हैं, दूसरी ओर शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन ऐसे में हमारे पास अर्थव्यवस्था को संभालने का एक मौका अभी भी है। इसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी आपदा में अवसर के रूप में देख रहे हैं। वो है भारत के किसानों द्वारा बोया गया गेहूँ। आइए इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों वर्ल्ड में गेहूं का एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 5 देश हैं रशिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन। ये पांचों देश मिलकर दुनिया के 65% अनाज के बाजार पर कब्जा जमाए हुए हैं। बाकी के 35% में इंडिया और चाइना जैसे देश आते हैं। वर्ल्ड के 30% गेहूँ का एक्सपोर्ट सिर्फ रशिया और यूक्रेन जैसे देश करते हैं।
और दोस्तों रशिया और यूक्रेन जैसे देशों ने अपने गेहूं को अफ्रीका महाद्वीप और एशिया के बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में बेचने का मार्केट बना रखा है। लेकिन रशिया और यूक्रेन के अभी जो हालात हैं उस हिसाब से उनका ये गेहूं एक्सपोर्ट करने का टारगेट शायद ही पॉसिबल हो। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट के पास ये मौका है कि वो अपना गेहूं विदेश में बेचे, जिससे इंडिया के किसानों को फ़ायदा हो और इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी आए, क्योंकि इंडिया का गेहूं उत्पादन में दुनिया में दूसरा स्थान है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इंडिया का गेहूं विदेशों में जाएगा तो किसानों को तो फ़ायदा होगा, मगर इंडिया में गेहूं के दाम भी बढ़ जाएंगे, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के बजट पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट इस आपदा को कैसे अवसर में बदलेगी। तो दोस्तों, इन सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि दो देशों के युद्ध होने से कभी कभी नए देश तो बनते हैं, मगर मानवता का हमेशा मरण होता है। लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, भुखमरी, गरीबी जैसी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है और रिजल्ट आता है जीरो। इसलिए नो वार ओनली डिप्लोमेसी का फॉर्मूला लेकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। दूसरा, हमने देखा कि इंडियन मेडिकल कॉलेज की हैवी फीस से इंडिया को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है और स्टूडेंट अपने देश का पैसा विदेशों में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है इंडियन मेडिकल कोर्सेज को रिफॉर्म किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, हमें अपना कीमती ओपिनियन जरूर दिया करें, जिससे हम भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।